नमस्कार गाँ गहली खबर को आपण मानक स्वागत करुछी मु बंदिता संपूर्ण खबर को आसीबा नवरंगपुर सीमांत छत्तीसगढ़ सिहुआ अंचल रे छाती थरा घटना देवी मंदिर को दर्शन पाई जाइथिबा बेले जने 6.5 वर्षर बालक को झांपी नेला चीता बाघ बालकर बेक को कामुड़ी नहीं पलाइथिला वन कर्मचारी और स्थानीय लोके बाघर पिछा करिबा परे अधबाटरे बालक को छाड़ी पलाइथिला बाघ गुरुतर अवस्था बालक को स्थानीय डाक्तरखाना भर्ती करा जाइथिला किंतु सेठारे डाक्तर ताकु मृत घोषणा करथिले मृत बालक जनक हेउछन्ति नवरंगपुर रायघर तुरुडी ही गाँव नरेन्द्र मरकाम पुओ अमित बापा मां सिहुआ अंचल एक देवी मंदिर को दर्शन पाई जाइथिले अमित मंदिर बेढ़ लोकों भिड़ जमी हठात सेठे एक चिता बाघ खेल आतंक बाघ को देखी लोक मैंने छत्रभंग प्राण विकल में जीए जुआड़े पारे दौड़ी पलाऊ अमित दौड़ा बेले उपरक लंफ मारी बाघ अमितर बेक को कामुड़ी पहाड़ उपरक पलाई जाता बेले वन कर्मचारी और स्थानीय लोके होहल्ला करते अधबाटे अमित को छाड़ पलाई बाघ गुरुतर अवस्था अमित को पाख हस्पिटाल निया किंतु सेठे तार मृत्यु होता उड़ीसा राज्य से एक बच्चा को फिर हमला कर दिया और बार बार वन्य प्राणी द्वारा ये हमला हो रहा है और हमारे सियाव क्षेत्र में ये कम से कम पांचवा घटना है लेकिन फॉरेस्ट विभाग द्वारा ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। जो घटना हुई है ये बहुत दुखद घटना है और इसके लिए हम पूरा प्रयास करेंगे कि जो बन सके हमसे देवगढ़ गंजे चोराचारण बेले पुलिस उपरे गुलीमाड़ा होइछि अभियुक्त खसी जाउथिया बेले धरिबा को चेष्टा करथिला पुलिस एवं सेही समय रे ही अभियुक्त गोटे राउंड गोली चलाइथिला पुलिस उपरको देवझरण निकटरे घटिछि ए घटना तेबे अभियुक्त सह 3 जन को गिरफ करिछि पुलिस एथिसह बंदूक एवं 7 राउंड गोली मध्य जबत होइछि घटनास्थल रु 1 क्विंटल 25 केजी गंजे पुलिस धरिछि बौद्ध जिला रु देवगढ़ को गंजे चोराचारण होउथिया बेले चढ़ाउ करथिला पुलिस सका ओवर्स भितर आम पाखे गोटे इनफर्मेसन थिला जे किसी गंजे धरिकी किसी आंटी सोशियाल स्मगलर्स पेडलर्स जो मैंने कि आसुच्च गोहिरा डैम सैड्रे आसिक मोस्टली देवगढ़ आसी था सो आमर रियामाल पुलिस चेस कला चेस भितर आउ गोटे पिला एस्केप कर स्पट्रु एस्केप कलापर ताकू पुणी इनफर्मेसन देलापर एस डी पी और स्पेशल स्क्वाड ତାଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟରସେପ୍ଟ କଲେ କେଉଁଠି ନା ଦେଓଝରନ୍ ପାଖାପାଖି ମେନ୍ ରୋଡ଼ରେ ଏବଂ ପୁଲିସ ଟିମ୍କୁ ଦେଖି ସେ ମଧ୍ୟ ତା'ର ରିଭଲଭର୍ ଏ ପିସ୍ତଲ ଦେଖେଇଲା ଏବଂ ଗୋଟେ ରାଉଣ୍ଡ ମୋଷ୍ଟଲି ଫାୟାର କରିଛି ଫାୟାର କଲା ପରେ ଏସ୍କେପ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲାବେଳେ ଏମାନେ ତାକୁ କାବୁ କଲେ अधिक आलोचना करिबा देवगढ़ प्रतिनिधि संजीव पाणिग्राही अछंती हमस्त फोन लाइन ने संजीव टिके जानिबा को चाहिबु पूरा घटना कोन थिला एवं वर्तमान अपडेट कोन बौद्ध जिल्लारो देवगढ़ को गंजे चोरा चलाण होतबा पुलिस जेतबले खबर पाइतिला गोहिरा डैम छक निकट रे पुलिस छकी रहितिला एवं से माने कनसर चट्टी बरघाट रास्ता देकि आस्तुवा बले गोहिरा डैम निकट रे पुलिस ତାଙ୍କ ଉପରେ ମାଡ଼ି ବସିଥିଲା ମାତ୍ର ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଯୋଉ ଗଞ୍ଜେଇ ରହିଥିଲା 1 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ 25 କେଜି ଗଞ୍ଜେଇ ରହିଥିଲା ସେସବୁ ଜବତ କରିଥିଲା ଏବଂ ଏହି ଅଭିଯୋଗରେ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲା ପୋଲିସ ଯୋଉ ମନୁମୁଣ୍ଡା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ରାଜହଂସ ଏବଂ ପୋଲସ୍ତୀ ଜଗଦଲା ଏହି 2 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା ମାତ୍ର ଯୋଉ ରହିଥିଲେ ଜମନକିରା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ରୂପେଶ ପ୍ରକାଶ ସେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଫେରାର ମାରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ ଅନ୍ୟପଟେ ତାଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ପୋଲିସ ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଚଢ଼ଉ କରାଯାଇଥିଲା ସେହି ସମୟରେ ପୋଲିସ ଉପରକୁ ଗୋଟିଏ ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଳି ଚାଳନା କରିଥିଲେ ଏଥିରୁ ପୋଲିସ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଚତୁରତାର ସହିତ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ କାବୁ କରିଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ନିକଟରୁ ଗୋଟିଏ ମାଉଜର 7 ରାଉଣ୍ଡର ଗୁଳି ଜବତ କରିଥିଲା ଏବଂ ପୋଲିସ ଏ ନେଇ ଅଧିକ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ପୋଲିସ ଅଧିକ ଛାନଭିନ କରିଥିଲା ଏବଂ ତଦନ୍ତ କରିଥିଲା ଏହି ଅଭିଯୋଗରେ 3 ଜଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗିରଫ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ ଘଟଣାରେ ଯୋଉ 1 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ 25 କେଜି ଗଞ୍ଜେଇ ଯୋଉ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିଲା କାର ବାଇକ ଗୋଟିଏ ମାଉଜର 7 ରାଉଣ୍ଡର ଜୀବନ୍ତ ଗୁଳି ସବୁ ଜବତ କରାଯାଇଛି ଅନ୍ୟପଟେ ଯୋଉ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଗୁଳି ଚାଳନା ହେଇଥିଲା ପୋଲିସ ଉପରକୁ ଯୋଉ ଗୁଳି ଚାଳନା କରିଥିଲା ସେ ନେଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଏବେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚିଛି ଏବଂ ଯୋଉ ସେ ଚାଳନା ହେଇଥିବା ଗୁଳି ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୋଜାଖୋଜି କରୁଛି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ନିହାତି ଧନ୍ୟବାଦ ସଞ୍ଜୀବ ସବିଶେଷ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ପୋଲିସ ଉପରେ ଗୁଳି ଚାଳନା ହୋଇଛି ଯେତେବେଳେ ଦେବଗଡ଼ରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚୋରାଚାରଣ କରାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ହିଁ
अभियुक्त खसी जाउथिबा बेले पुलिस धरिबा को ताको चेष्टा करथिला किंतु अभियुक्त गोटे राउंड गुळी चलाइथिला। एबे अभियुक्त सह तीन जण को गिरफ करिछि पुलिस एवं घटनास्थल रु एक क्विंटल 25 केजी गंजेई पुलिस जबत करिछि। परवर्ती खबर को आसीबा परकिया प्रीति को संपर्कीय भाई को हाणी पोतिले दुई भाई। एभली जघन्य हत्याकांड सामना को आसी गंजाम जिला जगन्नाथ प्रसाद थाना अंतर्गत मलिंगी गाँव मृत युवक हेले निकटस्थ सुगम गाँव माधव नायक। संपर्कीय भाउजों युवकों संपर्क को नहीं हत्याकांड घटा कहुई घटना पर जड़े अभियुक्त जगन्नाथ प्रसाद थाना आत्मसमर्पण कर हत्याकांड संपर्क में पुलिस को कहवापुर पुलिस मलिंगी गाँ निकट काजु जंगल में पोता जा गलित शव को उद्धार कर घटना को नहीं पुलिस खोलताड़ जारी रखी। पड़बार देखिले कौन ताको मारिया पिटा को धाइले दी भाई जाक मारिया पिटा को धाइला को सही आम घर जाकि दु दिन पर मिशी गुरुवार दिन सका सतटार घर बाहर की आमर आसला से दिन आ गले आड़ तो ये घटना है से कौटा फेरिक आलोचना करवा गंजाम प्रतिनिधि अजित दास अच्छा समस्त फोन लाइन ने अजित पूरा घटना कौन एवं आउ जो अभियुक्त विषय में पुलिस को किसी टेर मिलला देखंतु बंदिता वर्तमान यही घटना आज सकाळे ही प्रकट घटी एवं जगन्नाथ प्रसाद थाना अंतर्गत तो जो मलिंगी ग्राम रही से गाँ निकट एक युवक को मारी पोता जाइथिबार पुलिस पाखे खबर पहुंची एवं जगन्नाथ पुलिस प्रशासन समेत छत्रपुर एक साइंटिफिक दल पहुंची शव को उद्धार करते माटी तलु एवं माटी तलु शव उद्धार होगापर परिचय जना पड़ा जगन्नाथ प्रसाद थाना सुगम ग्रामर माधव नायक बोली एवं ताकु प्रेम व्यापार को नहीं हत्या करी पोता जाइथिबार जहां खबर रही पुलिस पाखे वर्तमान जहां वर्तमान थाना अधिकारी पक्षर सूचना दि जाइए घटनार एवे तदंत चालू रही जना पड़ी बंदिता निहाती धन्यवाद अजित सविशेष आलोचना वर्तमान भी घटन पुलिस अधिक खोलताड़ जारी रखी जनकर परिचय मिली और जड़े आत्मसमर्पण करते तेरे अन्य जड़े युवक को धरवाई वर्तमान पुलिस चेष्टा जारी रखी। पुणि अंधविश्वास माँ नवरत्र पूजा जोग न देवर माँ रोषर शिकार हो तपस्या बस जड़े लोके एवं ए घटना सामना को आसी नवरंगपुर जिला उमरकोट ब्लॉक पोड़ागड़ अंचल दशहरा पाई माँ खम्बेश्वरी पीठ से नवरत्र पूजा चली पूजा जड़े सीरा जोग नहीं सीरा मान देहरे देवी प्रसन्न हो प्रवेश करजा जोग नदेपर माँ खम्बेश्वरी रोषर शिकार होती सीरा माँ ताकि टाणी आनी पोड़ागड़ घंच जंगल बसाइवा सह तपस्या करने निर्देश दे चर्चा होपस्या बसता व्यक्ति जनक होती स्थानीय राउतगुड़ा गाँवर पदम सीरा गत सात दिन धरी से जंगल रे तपस्या रे बसछन्ते एवं ताको देखिबा पई जंगल लेबे लोकंकर भिड़ लागुछि। आमर परंपरा आदिवासी हिसाब रे माँ खम्बेश्वरी लागिछि माने आमर बहुत अनेक अनेक विश्वास रहिछि आगो कालरो अंधविश्वास थिला बोली करू अच्छी आम एरिया मिशा एवं मिशा अच्छी देवादेवी पाखे आम गुआर करूँ गुआर करले आमर कौन बाधा विघ्न बा कौन काम होगा ना को माँ को पचारे कहीदी दशहरा जंड आसिक माँ आणिक रखिंट बोल दशहर जोगी तपेसी कर बस। गंजाम जिला पुरुषोत्तमपुर माँ तारातारिणी मंदिर में अघटन मंदिर परिसर में दीपदान गृह में अग्निकाण्ड तीनोटी दीपदान गृह में निआ लगी से दुईट दीपदान गृह संपूर्ण जली नष्ट हो जाएगी। नवरात्र पूजा लगी श्रद्धा महादीप जाता बेले आकस्मिक भाव निआ लगी फल एत मात्र व्यापी जाता जे निआ को आयत्त करने मंदिर प्रशासन पक्ष तुरंत दमकल बाहन को जोजोग कर घटनास्थल में दमकल बाहन पहुंच निआ को आयत्त करते कि कौन श्रद्धा व भक्तों क्षयति हो नथिबा सूचना मिली। माँ का पाखे जो नवग्रह पूजा नवरात्र पूजा चलती आज है अष्ट अष्टमी तिथि से दीप घरे सहस्राधिक दीप लगी दीपर निआ घटिकी निआ जोर से जली आम प्रशासन तरफ खबर पाई संगे संगे निआ को आयत्त करदेलु कौन क्षय क्षति होनी निआ बर्तमान संपूर्ण लिभि जाइए।
खोर्धा जिला प्रताप गांव महुल बोझे ट्रक जबत गतकाली प्रताप गांव ग्रामवासी माने एक महुल बोझे ट्रक को अटक रखिथिले। ट्रक रे 125 बस्ता महुल थिला। जबत महुल मूल्य लक्षाधिक टंका हेबो। ढेंकानाळु खोर्धा दामिया बरबरा अंचल को जाउथिबा महुल बोझे ट्रक को ग्रामवासी अटकाइथिले। खबर पाई बाणपुर थाना पुलिस पहुंची महुल बोझे ट्रक को जबत करिबा सह दुई जण को अटक रखिछि। तेबे किए एवं कहा पाखकु एते परिमाण महुल पठा जाइथिला तार छानबीन करुछि पुलिस। मलकानगिरि जिला सीमांत में जवान माओवादी गुड़ विनिमय स्वाभिमान अंचल माथिली थाना तुलसी पहाड़ में माओवादी लुचि रही सूचना मिली। यापर एसओजी और डीभीएफ जवान पक्ष मलकानगिरि एसपी प्रहलाद मीना नेतृत्व में गतकाली राति कमिंग ऑपरेशन आरंभ होता। तेज कमिंग ऑपरेशन बेले प्रथम माओवादी जवान उपरक गुड़ चलते जहां पलटा जवाब में जवान गुड़चा करते जवान माओवादी मध्य गुड़ विनिमय होता। एनकाउंटर में जड़े महिला माओवादी निहत हो सूचना मिली। घटनास्थल में सर्च ऑपरेशन जारी रही। लालबाहन लैंडमाइन विस्फोट दुई जन जवान आहत होता सूचना मिली। आहत को हेलिकॉप्टर जगे स्थानांतरित करने उद्यम चली। किसी माओ नेता पुलिस आक्रमण प्रतिहत कर नपारी छत्रभंग देते। तेज घटनास्थल एक इंसास बंदूक विस्फोरक और माओ व्यवहृत सामग्री जबत हो। आज सका आम स्पेसिफिक इंटेलिजेंस ओडिशा पुलिस गोटे टीम एसओजी एवं मलकानगिरी डीबीएफ जॉइंट टीम तुलसी रिजर्व फॉरेस्ट ऑपरेशन जाइला। से टीम उपरे से आत्मगोपन करके माओवादी माने थिले से माने से टीम उपरे फायरिंग कले। आत्मरक्षा से टीम रिटेलिएटरी फायरिंग कला। एबे पर्यंत जिते सूचना जाना पड़ी तीन जने माओवादी मानकर डेड बॉडी आम पाइछु। दुई जने महिला अछंती एवं जने पुरुष अछंती। एबे पर्यंत दुईटा विपेन पाइछु गोटे इंसास राइफल एवं गोटे एसएलआर राइफल। कॉम्बिंग एवं सर्च ऑपरेशन चली। ऑपरेशन सॉरी नहीं एज वी विल गेट अपडेट्स विल कीप अपडेटिंग। बलांगीर जिले में मुतयन 199 सीआरपीएफ बैटालियन पक्ष एक रक्तदान शिविर अनुष्ठित हो सीआरपीएफ जवान अधिकारी कंथवार्तन। बलांगीर सरकारी आईटीआई छात्र छात्री माने रक्तदान करेश मातृकार सुरक्षा करुवा जवान माने मानव समाज सहायता रक्तदान शिविर आयोजन कर। रक्तदान शिविर को 199 सीआरपीएफ बैटालियन कमांडेंट पवन तिवारी आनुष्ठानिक भाव उद्घाटन करते। रक्तदान शिविर में 50 यूनिट रक्त संग्रह हो सीआरपीएफ पक्ष सूचना दी। रक्तदान करिया परे मते बहुत आनंद लगुची। आगुरु जिते मोर वेट थिला ताठु आउरी मते एकदम फ्री आउ सुस्त सवड़ा देखा जाउची। मते चला फिला दौड़ा धाड़ आउरी बेसी एक्टिव मते जणाउची। मु साथी कहिबा चाहूची आपना सदाबेले 3 मास 4 मास 6 मास रे थरे ब्लड डोनेट करने किछि असुविधा नै। लोक सुरक्षा दबा आम ड्यूटी अछि। सेटा ब्लड दबा भी सेटा आमको सेवा भक्ति गोटे अछि। एटा करिया आमको अति आवश्यक अछि। एबे देखिने बा दुर्गा पूजा संपर्कित खबर। आज पूजा मंडपर महासप्तमी पीठ से चली महाअष्टमी पूजा। गतकाल रात्रि शेष होता षष्ठी पूजा। भोरु आरंभ होई सप्तमी पूजा। प्रथम सूर्य पूजा कराई मां को चक्षुदान कराई नवपत्रिका प्रवेश महास्नान प्राण प्रतिष्ठा उपचार पूजा एवं चंडीपाठ कर शिव सहस्र नाम होमयज्ञ अनुष्ठित आलती पुष्पाजलि दिजाह मां पाखे संकुड़ी भोग कर परंपरा अच्छी। षोडश उपचार में मां आराधना कर महासप्तमी सारा राज्य उत्सव मुखर। तेज श्रद्धा को पंडाल भितर को जीवाक बारण करोना कटक श्रद्धा को मंडप बारण हो अल्प संख्यक पूजा कमिटी सदस्य और पूजक को नहीं चली पूजार्चना। प्रसाद सेवन और बंटन कार्यक्रम बंद रही। आसंता महाअष्टमी मां पाखे दही पखाल भोग लगे। नाही साजसज्जा नाही सांस्कृतिक कार्यक्रम बिना भक्त कोविड कटक भितर नयागढ़ जिले में मां दुर्गा सप्तमी पूजा मंडपर आरंभ हो परदा आढ़ुआल केवल पूजक और पूजा कमिटर 6 जन सदस्य को नहीं पूजा चली। चलित बर्ष केवल विधि रक्षा करने मंडपर पूजा होता बेले पूजा कमिटी पक्ष सूचना मिली।
ଆମର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ସରକାରଙ୍କ କୋଭିଡ୍ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ପୁରା ବିଧି ଅନୁସାରେ ଖାଲି ଚାଲିଛି, ଲୋକବାକ ନାହାନ୍ତି, ଦୁଇପଟେ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଯାହା ତାହେଲେ ଆମେ ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଗକୁ ଦରକାର ପୂର୍ବ ଆନନ୍ଦ ତ ଆଗ ଆଗ ଆନନ୍ଦ, ତାପରେ ଆପଣ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇପାରନ୍ତି, ଯାହା ମାନସିକ କରନ୍ତି ପାଇପାରନ୍ତି। ଆଗ ଆତ୍ମାର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଶାନ୍ତି ପାଇବେ ଆଗ ସେଇଟା ଲୋକ ପାଇବେ, ଯେକୌଣସି ଲୋକ ମା' ବୋଲି ତ ଆଗ ପ୍ରଥମ ହଠାତ୍ ରହିଲା ମଧ୍ୟ ତାର ଆତ୍ମା ସନ୍ତୋଷ ଏଇଟା ପାଇବେ। जयपुर सहर से आरंभ हो दशहरा पूजा, विभिन्न पूजा मंडप में माँ दुर्गा मृण्मयी मूर्ति आगे चली पूजार्चना। आज सप्तमी तिथि अनुसार हो नीतिकांति पूर्व वर्षगुड़ आडंबर ना गत वर्ष अपेक्षा कोविड कटक सामान्य कोहल हो पूजा मंडप में माँ का दर्शन पर भक्त को अनुमति मिली। कोविड गाइडलाइन अनुसार मेढ़ निकट में बारिकेड कर मास्क सानिटाइजर और सामाजिक दूरत्व प्रति सचेतनता सृष्टि कर नौटी मंडप प्रस्तुत होता बेले देवीपीठ से पूजार्चना चली। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏବେ ଟିକେ ସ୍ଥିତି ଯଥେଷ୍ଟ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେଇ ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ଯେତେ ଦଶହରା ମେଢ଼କୁ ଯାଉଛୁ ସବୁ ଜାଗାରେ 100-200 meters ଦୂରରେ ବାରିକେଡ଼ ମଧ୍ୟ ବାନ୍ଧିକିରି ଦୂରରୁ ଯାହା ଦର୍ଶନ ହେଉଛି କି ପରିସ୍ଥିତି ମାନେ 125 ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆଗାମୀ ଦିନ କେମିତି ଆସନ୍ତା ବର୍ଷକୁ ସେ ଭଗବାନ ମହାମାୟୀ ମା' ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ଆମେ କି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ କେମିତି ମହାମାରୀରୁ ଦୂର ହେଉ, ସର୍ବସଂସାର ପୁରା କେମିତି ଭଲରେ ଚାଲୁ। ଯାହାକି କମିଟି ତରଫରୁ ଯାହା ପୂଜା ଦେଉଛି ତାହାକୁ ପୂଜାପାତି ଆମେ ସବୁ କରୁଛୁ, ହୋମ ଯଜ୍ଞ କରିକିରି ଆମେ ପୂଜାପାତି କରି ଚଳେଇକି ପଳେଇ ଯାଉଛୁ, ଗହଳି କିଛି ରଖୁନୁ, କାହିଁକି କୋଭିଡ୍ ଲାଇନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମାନ ବୋଲି କହିବା ହେତୁ ଆମେ କୋଭିଡ୍ ଲାଇନ୍ ମାନିକିରି ଆମେ ପୂଜା କରୁଛୁ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ଚାଲିଛି ମା' ଜଗଜନନୀଙ୍କ ପୂଜା। କରୋନା କଟକଣା ଥିବାରୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନାହିଁ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼, ଭକ୍ତ ନଥିବାରୁ ଫିକା ପଡ଼ିଛି ମା'ଙ୍କ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର ଧର୍ମଶାଳା, ରଙ୍ଗଢିପା, ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ଛକ, ରିଜେଣ୍ଟ ମାର୍କେଟ, ବ୍ରାହ୍ମଣପଡ଼ା ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ରୀତିନୀତିରେ ମା'ଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଚାଲିଛି। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଧର୍ମଶାଳାରେ 55ତମ ପୂଜା ଉତ୍ସବ ପାଳନ ହେଉଥିବା ବେଳେ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ଛକରେ 32ତମ ପୂଜା ଉତ୍ସବ ପାଳନ ହେଉଛି। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଧର୍ମଶାଳା ମଣ୍ଡପର ଆଳତୀ ବେଶ ଆକର୍ଷଣୀୟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ଛକ ପୂଜା ମଣ୍ଡପର ରାବଣ ପୋଡ଼ି ଭକ୍ତଙ୍କ ମନ ମୋହିଥାଏ, କିନ୍ତୁ କରୋନା କଟକଣା ଫଳରେ ସବୁ ଫିକା ପଡ଼ିଛି। ଆଜି ମାଙ୍କର ସପ୍ତମୀ ପୂଜା କରାଯାଉଛି। ଆମର ଏ ପୂଜାଟା 30 ହେଇଗଲାନ ହୋଇଆସୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଏଥର ଆମର ଏ କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ପାଇଁ ଆମର କେହି ଏନ୍ତା ଭିଡ଼ ନାଇଁ ହେବାର୍, ଆଉ କେହି ଆସବାର୍ ଲାଗି ବି ମାନେ ଡରୁଛନ୍ କଟକଣା ଲାଗି, ଆଉ ପୂଜାଟା ବହୁତ ବିଧିବିଧାନ୍ତି ହେଉଛେ, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ଟିକେ ହେଇ ନାଇଁ ପାର୍ବାର୍, ଯେହେତୁ ଟିକେ ମଜା ନାଇଁ ଲାଗ୍ବାର୍। ଦୁଃଖ ବି ଲାଗୁଛେ, ଖୁସି ବି ଲାଗୁଛେ ଯେ ବହୁତ କରୋନା କଟକଣା ଭିତରେ ଆମେ ପୂଜା କରୁଛୁଁ। କାଲି ଅଷ୍ଟମୀ ବିହିତ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେବ, ତା'ର ଦିନ ନବମୀ ପୂଜା ହେବ, ଦଶମୀ ପୂଜା ହେବ, ଏମିତି ପରମ୍ପରା ହିସାବରେ ଆମର ପୂଜା ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତ ଆସିବାର ଯେହେତୁ ସରକାର ମନା କରିଛନ୍ତି ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକିରି ସେ କଟକଣା ମାନବାର ଲାଗି ବାଧ୍ୟ, ଆମର ଇଚ୍ଛା ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମେ ତାକେ ମାନବାର ଲାଗି ବାଧ୍ୟ ହେଉଛୁ। ଆସନ୍ତାକାଲି ମାଙ୍କର ଅଷ୍ଟମୀ ବିହିତ ପୂଜା କରାଯିବ, ଭାଇଜିନ୍ତା ପୂଜା ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତାକାଲି କରାଯିବ, ଆଉ ପରଦିନ ଆମର ମାଙ୍କର ନବମୀ ବିହିତ ପୂଜା ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ ବର୍ଷ ଭଳି କରାଯିବ। ଅନୁଗୁଳରେ ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ମା' ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ମହାସପ୍ତମୀ ପୂଜା ବିଧି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ସକାଳୁ ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ କର୍ମକର୍ତ୍ତା କଳସ ଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ମଣ୍ଡପରେ ଘଟ ସ୍ଥାପନ ପରେ ମା'ଙ୍କ ଆବାହନ, ଚକ୍ଷୁଦାନ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପୂଜା ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା। କରୋନା କଟକଣାକୁ ମାନି ମଣ୍ଡପର ଚାରିପଟକୁ ଆବଦ୍ଧ କରାଯାଇଛି। ମଣ୍ଡପ ଭିତରେ କେବଳ ପୂଜକ ଏବଂ କିଛି କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଉପସ୍ଥିତ ରହି ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କରିଛନ୍ତି। କୌଣସି ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଭିତରକୁ ଛଡ଼ାଯାଉନାହିଁ। ମା'ଙ୍କ ଦର୍ଶନ ନ ପାଇ ନିରାଶ ହୋଇଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। କରୋନା କଟକଣା ଭିତରେ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ଆଜିଠାରୁ ମାଆଙ୍କର ସପ୍ତମୀ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ତେବେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପରି ଏ ବର୍ଷ ଲାଗୁନି, ଗତ ବର୍ଷ ଯେପରି କରୋନା କଟକଣା ରହିଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ସେହି କଟକଣାର ପ୍ରଭାବ ରହିଛି, ମଣ୍ଡପଗୁଡ଼ିକ ଖାଁ ଖାଁ ଲାଗୁଛି। କେବଳ ପୂଜା କରୋନା କଟକଣାକୁ ମାନିକି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ମଣ୍ଡପ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, କିଛି କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ପୂଜକ ଅଛନ୍ତି। ସବୁ ମଣ୍ଡପ କହିବାକୁ ଗଲେ ଖାଁ ଖାଁ ଲାଗୁଛି, ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଆସିବାରେ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ତେବେ କିଭଳି ରହିଛି ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ପୂଜାର ସ୍ଥିତି, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁର୍ଗା ଶଙ୍କର ପୂଜା ସମିତିର ମଣ୍ଡପରେ ଅଛୁ, ଏଠାରେ ପୂଜକ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଅଛନ୍ତି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ମାଆଙ୍କର ପୂଜା କେମିତି ସବୁ କେଉଁ ବିଧିରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି? ମା' ଜୟଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଶରତକାଳୀନ ଯେଉଁ ସାମ୍ବତ୍ସରିକ ପୂଜା, ଇଏ 85ତମ ଦୁର୍ଗା ଶଙ୍କର ପୂଜା ସମିତିର ପୂଜା, ସର୍ବପ୍ରାଚୀନ ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠାନ, ନିରାଡ଼ମ୍ବର ଭାବରେ ବିଧାନକୁ ରକ୍ଷା କରି
माँकर नवपत्री काली गत काली अधिवास संपन्न होलापे एक द्रव्यरे आज माँकर नवपत्रिका मध्यम माँ मंडप को प्रवेश करती चक्षुदान आदि कर्म विधि विधान सहित इटि पारंपरिक रीति में पालन हो आसुच्ची समस्त प्रकार श्रृंखला भाव में निराडंबर भाव में सरकार कोविड कटकणा को मानि वैधानिक भाव में अनुष्ठान पूजा चली प्रत वर्ष ये पूजा जमी आस चलचंचल लगुनि यहीपाई जेहेतु सरकार कोविड गाइडलाइन मानिया को बाध्य कोविड गाइडलाइन अनुसार हेले चलचंचल हम कमी तेणु रीतिनीति अनुसार आम जमी प्रत वर्ष पूजा हुए पूजा चली चलो सरकार कोविड कटकणा को नहीं आम पूजा करुच्छू सत कितु मनरे शांति ना कौन पाई भक्त मैंने जदि पूजा न देखी पाइले आम खाली बसिक पूजा करुच्छू माँ पूजा जो हिसाब से हवा कथा प्रपर पूजा होती भक्त मैंने कहीं आसिक देखी पा ना से बहुत दुखित निश्चित भाव माँ को पूजा तो विधि विधान अनुसार होची चारिकांत आबद्ध भितर माँ को पूजा होची भक्त मानू एठिक आसवाई बारण कर तबे बिना भक्त चली माँ को पूजा से पूजा कमिटर कर्मकर्ता कहतु एवं भक्त कहतु समस्त मनरे दुख अनुगुल भिकारी महांती न्यूज 18 ओडिया। परवर्ती खबर को आसिबा कटक आठगढ़ सीएमए संस्थार टंका गाड़ी लुट घटना रे धरा पड़ा समस्त तीन जन अभियुक्त को गिरफ्त करी कोर्ट चालाण करा जाइछि। एथिस लुट होइतिबा समस्त 1,05,000 टंका को पुलिस उद्धार करिछि। गिरफ्त होइतिबा तीन जन अभियुक्त को मध्यरु दुई जन को नाह रे 20 रु अधिक मामला रहिथिबा पुलिस सूचना देइछि। सेमानकु गत वर्ष भुवनेश्वर एनकाउंटर मध्य करिथिला कमिश्नरेट पुलिस। तेबे पुलिस एही लुट घटना रे व्यवहृत बड़ षडयंत्रर बासना पाइथिबारु अभियुक्त मानकु रिमांड रे आनी जेरा करा जियो बोली केन्द्रांचल आईजी नरसिंह भोल कहिछन्ति। ए घटना रे पुलिस लुट होइतिबा समस्त 1,05,000 टंका जबत करिछि। आवेतित लुटेरा माने व्यवहार करिथिबा पांचटी बंदूक एवं गोटे खंडा सह सीएमएस कर्मचारी कठारु लुट होइतिबा एक बंदूक मध्य जबत करिछि। पुलिस पक्षरु मिलिथिबा सूचना हिसाब रे ए लुट पई प्राय 15 दिन पूर्वरु योजना होइथिला एवं प्लान मुताबक एक मारुति स्विफ्ट कार को चोरी करा जाय तार नंबर प्लेट को बदलाई कारटी को लुट कार्य रे व्यवहार करा जायथिला। ए तीन जन जो मानक आम काबू कर सक्षम होती से पाखर गोटे कोटी 5,00,000 एवं 4 पिस्तल एवं जो सिक्यूरिटी गार्ड थिला से सीएमएस ग्रांड्रे ताठ जो बंदूक छड़े नहीं थे से ही बंदूक एवं अन्यान्य मारणास्त्र जबत होन को आम आज वेरिफिकेशन परे तांगु गिरफ करा जायछि। ए तीन जन आगरु पुलिस बहुत तांगर नाम रेकर्ड अच्छी